वीडियो में हम लोग 5 इंग्लिश ग्रामर के ऐसे नियम सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना सब में आते हैं। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत ही आसानी से इसको समझा सकूँ। आइए देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, अगर एंड से दो वर्ड जुड़े हुए हैं तो उनके बाद आर लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर लगता है ना, द हीरोइन एंड डांसर .. गोइंग टू परफॉर्म, तो देखने में यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पे आर लगेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या लगेगा। सबसे पहले समझिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है, राम एंड रानी। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड सब्जेक्ट है ना, दो नाउन है, एक आपका राम है और एक आपकी रानी है। हाँ, तो राम है और रानी है, चूँकि दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर, गुड फ्रेंड्स, है ना। राम और रानी दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि पहला ही नियम यह है कि जब भी कोई एंड से जुड़ा रहेगा ना तो आर लगेगा। लेकिन दूसरा नियम, और ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये हलवा है, इतना आसानी से नहीं आ जाएगा, ये नॉर्मल है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये आता है जो मैं बताया जा रहा हूँ। देखिए, अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों और किसी एक के पहले आर्टिकल हो और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं हो, तो उसमें हम सिर्फ लगाते हैं इज अर्थात सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे देखने में लग रहा है कि द हीरोइन एंड डांसर आर गोइंग टू परफॉर्म होना चाहिए, नहीं, द हीरोइन एंड डांसर इज गोइंग टू परफॉर्म होगा। क्यों होगा समझिए, देखिए जब हम किसी एक के पहले आर्टिकल लगाते हैं और दूसरे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है ना कि वो अदमिया एक के है ना, यहाँ पर तो औरत है, सॉरी हीरोइनिया एक के है, मतलब एक ही औरत है, लेडी, जो कि हीरोइन भी है और डांसर भी है। जैसे करीना कपूर, शी इज़ व्हाट ए ब्यूटीफुल हीरोइन, एंड आई मीन शी इज जस्ट ए स्टुपेंडस डांसर, तो बोथ प्रॉपर्टी शी इज़ कैरिंग विथ हर, ओके। तो उसके साथ दोनों खूबी है, वो हीरोइन भी है और डांसर भी है। तो जब एक ही इंसान डांसर भी हो और हीरोइन भी हो तो सिर्फ एक के आगे लगाते हैं द, और क्या लगेगा, इज लगेगा। क्लियर हुआ, तो द हीरोइन एंड डांसर इज गोइंग टू परफॉर्म, क्योंकि एक ही लेडी है जो कि हीरोइन और डांसर दोनों है। दूसरा समझिए, अगर मान लीजिए कि इन दोनों के पहले आर्टिकल अगर आ जाता तो, जैसे द हीरोइन एंड द डांसर, तो फिर यहाँ पर अब इज नहीं होता, अब यहाँ पे आर होता, क्योंकि फिर अब यहाँ पर अब एक नहीं, अब यहाँ पे दो है। जैसे द हीरोइन कोई है, करीना कपूर है, एंड द डांसर प्रियंका चोपड़ा है या कोई और होगी, दोनों जा रहे हैं परफॉर्म करने। तो जब एक के पहले आर्टिकल लगता है मतलब कि एक ही है जिसके अंदर दो गुण हैं, और जब दोनों के आगे आर्टिकल लगता मतलब कि दो गुण के दो लोग हुए, और दोनों के आगे नहीं लगे तब भी आर लगेगा, दोनों के लगेगा तब भी आर लगेगा, यदि किसी एक के पहले लगेगा दूसरे पहले नहीं लगेगा तो फिर सिर्फ इज लगेगा। आइए दूसरा नियम समझते, देखिए, राम एज वेल एज दे .. हैप्पी नाउ, इसका मतलब क्या होता है एज वेल एज का, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसका मतलब बताया था, इसको फिर समझते हैं। देखिए, एज वेल एज का मतलब होता है के अलावा, है ना। तो एज वेल एज के साथ एक नियम है कि इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है ना, इसके बाद में आने वाला वर्ब उसी के अनुसार होता है। अर्थात यहाँ पर हमको इज आर एम लगाना है तो हम यहाँ पर दे के अनुसार नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर राम के अनुसार लगाएंगे। तो देखने में आपको लग रहा है कि आर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगेगा इज, जैसे राम एज वेल एज दे इज हैप्पी नाउ होगा, इसका मतलब होगा ना कि उन लोगों के अलावा राम भी अब खुश है। तो चूंकि नियम कहता है कि एज वेल के पहले वाले वर्ड के साथ लगेगा, अतः आप यहाँ पे लगाइएगा। अब सपोज कीजिए कि दे यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे दे होता और यहाँ पे राम रानी श्याम होता, ये पे क्या लगता, हाँ शाबाश, आर लगता ना, चूंकि आगे जो होगा बाद में आने वाला सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आइए हम लोग तीसरा नियम समझते, देखिए, द पुअर द रिच .. ऑनेस्ट होगा। देखिए कुछ ऐसे फिजिकल वर्ड्स है ना, जैसे मान लीजिए पुअर हो गया, है ना, रिच हो गया, ब्लाइंड हो गया, डीफ हो गया, कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि यंग हो गया, ओल्ड हो गया, है ना, इस ऐसे और भी कुछ वर्ड्स होते हैं। तो अगर ये जो वर्ड्स है ना आपके, पुअर, रिच, ब्लाइंड, डीफ, यंग, है ना, यंग हो गया और आपका ओल्ड वगैरह हो गया, तो इनका प्लूरल में बनाने के लिए आप एस नहीं लगाते हैं। जैसे अगर पुअर का द पुअर्स कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा, रिच का अगर आप रिचेज कर देंगे तो, देखिए रिच का रिचेज तो होता नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर जबरदस्ती आप कर भी देते, चूँकि आप बिहारी हैं, आप बिहारी को तो लाइसेंस मिला हुआ है ऊपर से, तो कुछ भी कर सकता है,
तो रिचेस का मतलब हो जाएगा संपत्ति, जायदाद। अमीर लोग नहीं हो जाएगा, अमीर का जो अमीरिया जो है ना, अमीरिया हो जाएगा रिचेस। तो पुअर, रिच, ब्लाइंड, डीप, डम, यंग के पहले हम लोग अगर पुलल बनाना हो तो द लगा देंगे। द लगाने से इसका पुलल बन जाता है ना। आप पुअर, रिचेस, ब्लाइंड, डीप्स, यंग्स और ओल्ड्स नहीं कीजिएगा। ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन ओल्ड्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, द पुअर, द रिच जब भी आएगा तो क्या लगाएंगे आप? आर लगाएंगे। उसी तरह से द यंग आ जाए, द यंग आर होगा, द ओल्ड आर होगा, द ब्लाइंड आर होगा, द डीप आर होगा। यदि इन सबके पहले द लगेगा तो इनका पुलल हो जाएगा। आइए चौथे नियम समझते। देखिए, हर हेयर डॉट 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 इज ब्लैक होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे इज होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे जो पूरा का पूरा बाल आएगा ना, तो पूरे बालों के लिए हम सिर्फ हेयर लगाएंगे, हेयर्स नहीं लगाएंगे। ये अनकाउंटेबल हो जाता है, मतलब इतना मुड़ी का बाल कौन गिनेगा। और कोनों के मुड़ी में बहुत ज़्यादा बाल है, कौन लेडी एकदम महान, उसके सर मैंने बहुत ज़्यादा बाल है तो कैसे गिनेंगे आप। सिंपल सी बात ये है। तो जब पूरा का पूरा सिर लिया जाएगा तो वहाँ पे हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई खाना खा रहा है और उसके खाने की प्लेट में दो बाल गिर गए हैं, अब वहाँ पे वो कह सकता है, बल्कि कहना चाहिए, देयर आर टू हेयर्स इन माई प्लेट, देयर आर फाइव हेयर्स इन माई प्लेट, देयर आर थ्री हेयर्स इन माई प्लेट, बिकॉज इन द प्लेट द हेयर्स विच हैव फॉलन दे कैन बी काउंटेड, एंड सिंस दे कैन बी काउंटेड दैट्स वाई दे कैरी विद देम पुलल वर्ब। यहाँ पे चूंकि सिर का हेयर आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस लगाते हैं। यदि कहीं पर दो चार बाल गिरे हैं आप वो काउंट कर सकते हैं ना, तो उनको हेयर्स करेंगे और उनके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, फिश, फिश डॉट 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 ए गुड डिश। आपको देखने में यहाँ पर लग रहा है कि इज लगेगा, इज लगेगा भी, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, फिश, जब एक मछली हो तो फिश होता है, और एक ही जाति के अनेक मछली तब भी फिश होता है। जैसे मान लीजिए पटिया, अगर एक पटिया है तो फिश है, और हज़ार पटिया तब वो फिश है, या हज़ार मांगुर है तब वो फिश है, या हज़ार सिंग है तब वो फिश है। लेकिन अगर एक पटिया है और एक मांगुर है, तब वहाँ पे फिश नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे फिशेज। और जब आप फिशेज करेंगे तो आर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक ही जाति की बहुत सारी मछली होगी तब भी वहाँ फिश होगा, फिशेज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दो तीन स्पेसिस की मछली आ जाएंगी तो वहाँ पे उसको फिशेज करेंगे, वहाँ पे पुलर भाव लगेगा। मुझे उम्मीद है कि पांचों नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आपको ये नियम कैसे समझ में आए हैं मुझे आप कमेंट जरूर करके बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपने इस वीडियो को देखा और लाइक किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।